गुड मॉर्निंग स्टूडेंट दिस इज नंदिता सिंह फ्रॉम लोकमान्य स्कूल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यूर चैप्टर 12 ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज द चैप्टर नेम इज फ्यूचर टेंस आज हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तो कल हमने पास्ट टेंस पढ़ा था तो फ्यूचर टेंस में हम आज पढ़ेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया फ्यूचर टेंस क्या होता है जो काम द एक्शन इज अब Out to come, about to happen, जो future में हमारा action या हमारा काम हो, हो होगा होने वाला है उसे हम कहेंगे future tense. और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि I बी के साथ shall लगेगा बाकी के साथ will लगेगा अगर हमको confirmation या कुछ pressure डाल करके किसी चीज को कहना है तो हम आई वी के, we के साथ भी विल लगा सकते हैं देखिए यहाँ सेंटेंसेस दिए वी विल गो फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट वीक वी के साथ विल लगाए दे विल राइट अ लेटर अटर टू मोर सून बिकम अजर तो यहाँ पर हम बिल का यूज देख रहे हैं दर्ब्स इन देंटेंसेस आर सिंपल फ्यूचर टेंस ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है इसमें सिंपल सेंटेंस है और विल शैल का यूज है रूल्स फॉर यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस के रूल्स क्या हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज़ टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच विल टेक प्लेस इन व्हिच विल टेक प्लेस इन द टाइम टू टाइम तो सिंपल फ्यूचर टेंस वो टेंस होता है जो एक एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि टाइम टू टाइम Uh, हो रहा है इंफॉर्मेशन देता है कि आगे जो आने वाला इवेंट उसके बारे में शी विल डेफिनेटली बिकम अ टीचर वो डेफिनेटली एक टीचर बनेगी दे विल सबमिट द प्रोजेक्ट टूमारो वो कल प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगे फ्यू वर्ड्स लाइक टूमोरो नेक्स्ट ईयर डी नोट इन फ्यूचर टूमोरो और नेक्स्ट ईयर हमारा टाइम को शो कर रहा है अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ए एक्सरसाइज इसमें आप इसको आपको कॉपी में करना है ए आप कॉपी में कर लीजिएगा इसमें सिंपल सेंटेंस दिया है इसको हमको को ऐड करके सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है इसको आपको कॉपी में कर लीजिएगा अब हम आएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है आपका इसमें क्या होता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आर के साथ आई लग रहा था पास कॉन्टिन्यूअस में वॉजवर के साथ आई एन जी लग रहा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल शैल ही लगेगा उसके साथ ई बी जुड़ जाता है और आई एन जी विल शैल ई बी और आई एन जी जुड़ जाता है जैसा कि यहाँ सेंटेंस में दिख रहा है यहाँ सेंटेंस में शो कर रहा है देखिए शी विल बी कमिंग टू मोरो टू विजिट अस She will, शी to के साथ will लगाया जो कि हम फ्यूचर टेंस में सिंपल में भी लगाते हैं कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा बी ई बी आपका जोड़ जाता है और वर्ब में आई लग जाता है दे विल बी ईटिंग पिज्जा विल हमारा लग रहा है दे के साथ हमेशा से और बी लगाया हमने और वर में इंजी लगा दिया। I will be reading the novel in the in the evening। तो आई के साथ विल लगाया हमने बी लगाया और इंजी लगा दिया। इसी तरीके से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्रिएट होता है। The verb in the above sentences in future tense in फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो हैं हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के हैं रूल क्या है इसका? ये को करता है जो कि फ्यूचर में हो रहा होगा देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है इसको आपको कॉपी में नहीं करना है इसको बुक में करना है इसको बुक में कर लीजिएगा बी एक्सरसाइज आप बुक में करेंगे। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर जो कि आपका एक, नेक्स्ट एक्सरसाइज है लास्ट इसको भी आप बुक में कर लीजिएगा आपको प्रिपेयर बुक और कॉपी दोनों करना है तो आप कुछ एक्सरसाइज कॉपी में करेंगे कुछ बुक में करेंगे यहां पर देखिए साइड में इसके ब्रैकेट में वर्ब दिए हैं इसके अकॉर्डिंग हमें इसको चेंज करना है और फ्यूचर टेंस यूज करके इसको लिखना है तो इस एक्सरसाइज को बुक में और कॉपी में जिसको बुक में कहा है उसको बुक में जिसको कॉपी में कहा है उसको कॉपी में कर लीजिएगा तो आज हमने फ्यूचर टेंस पढ़ा जिसमें हमने ये पढ़ा कि आई बी के साथ शैल लगता है बाकी सारे प्रोनाउन के साथ हमारा विल लगता है और अगर कंटीन्यूअस होता है तो विल बी शैल बी प्लस आईएनजी वर्ब में लग जाता है तो यह सिंपल